फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वाईफाई जो है वो कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है ना, इसे ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर इंस्टॉल ऐप लिखा हो ना, इंस्टॉल ऐप पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे की साइड है इस तरीके से, ठीक है ना। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस, मेटा सर्विस पे टैप करना है। अब मेटा सर्विस के इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है इस तरीके से। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने जो मेटा सर्विस सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में देखिए सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पर भी क्लियर कैच पे टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको जो है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब देखिए अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है ना। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।